Are you a crypto miner or know someone who is? Then this video is specially for you. किसी भी तरह की crypto selling या फिर spending और earning या किसी भी तरह की cryptocurrency trading पर आपको 30% tax देना होगा और इसके साथ 1% TDS भी। इसके अलावा अगर आप mining या staking के through कोई cryptocurrency income generate कर रहे हैं तो उस पर आपको अपने इंडिविजुअल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। अब अगर क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग आपके लिए कॉम्प्लेक्स है तो वरी नॉट, बिकॉज इसको ही सिंपल करना है मेरा और कॉइनेक्स का काम। तो इस वीडियो में आई विल कवर व्हाट क्रिप्टो माइनिंग इज इट स्टिल प्रॉफिटेबल इन 2023 एंड अगर आप क्रिप्टो माइनिंग करते हैं तो आपको इस पर कितना टैक्स पे करना होगा एज पर दी गवर्नमेंट्स वर्चुअल डिजिटल एक्ट। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कॉइनएक्स लेकर आता है आपके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री और रेगुलेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। कॉइनएक्स के साथ अब आप अपने क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग्स बड़े आसानी से और डिस्काउंटेड प्राइस पर कर सकते हैं। अब इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल 50% का डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट। डिस्काउंट कोड और कॉइनएक्स की लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्रिप्टो माइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यू यूनिट्स ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी आर क्रिएटेड एंड वैलिडेटेड ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्रिप्टो माइनिंग बेसिकली ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करती है। क्रिप्टो माइनर्स कंप्यूटेशनल पावर को यूज कर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं। अभी प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स होती है कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जैसे कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि ASICs और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs यूज होते हैं जिनकी मदद से ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पर ऐड करा जाता है और अपने इसी कंप्यूटेशनल एफर्ट्स की वजह से क्रिप्टो माइनर्स को उस ब्लॉकचेन के क्रिप्टोकरेंसी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो माइनिंग अभी भी यानी कि 2023 में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। तो ये प्रोसेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी ये पास्ट में होती थी और इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से एक मेजर फैक्टर है क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस में आया ड्रॉप, जहां ये प्राइसेस 2022 में थोड़ी ऊपर थी अब नीचे है। दूसरा रीजन है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में अभी वैल्यू है तो वहीं माइनिंग मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उस वैल्यू से थोड़ी ज्यादा हो जाती है जिसके चलते प्रॉफिट भी कम हो जाता है। इसके साथ ही सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप इथेरियम जो पहले माइन होता था वो अब नहीं होता है क्योंकि इथेरियम 2.0 आ चुका है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर कंसेंसस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर चुका है और इसी के चलते अब इथेरियम को माइनिंग की और माइनर्स की जरूरत नहीं है। अब अगर क्रिप्टो माइनर्स के प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें तो वो दी बिगेस्ट एंड अर्लीस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से आता है क्योंकि ये क्रिप्टो का ओजी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मेथड यूज करता है और आगे भी करता रहेगा। अब अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हाट आर टैक्स इंप्लिकेशंस ऑन माइनिंग। अगर आप इंडिया में क्रिप्टो माइनिंग करते हैं तो इस पर आपको अपने इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के बेसिस पर टैक्स देना होता है। नहीं समझ आया, रुको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक बिटकॉइन माइनर हो। अब जब आप एक बिटकॉइन माइन करते हो तो उस पॉइंट पर उस कॉइन की जितनी वैल्यू होगी, जैसे कि इस वीडियो बनते वक्त है 22,35,000, तो ये प्राइस जिस टैक्स लैब में आता है आपको उतना ही टैक्स पे करना होगा। अब अगर आप इस कॉइन को तब सेल ना करते हुए होल्ड करते रहते हो और कॉइन की प्राइस एक हफ्ते में बढ़ जाती है तो अगर आप इस बढ़ी हुई प्राइस पर कॉइन को सेल करोगे तो माइनिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा उस पर आपको वीडीए के अकॉर्डिंग 30% टैक्स देना होगा। अब इसके साथ ही अगर आप माइनिंग को एज अ हॉबी करते हो तो ये अदर इनकम की तरह ट्रीट होगी, लेकिन अगर ये आपका फुल टाइम काम है तो बिजनेस इनकम की तरह। अब अगर आपको और भी कुछ डाउट है और आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं coinex.topmate.io पर। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।